हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगर आप अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं या फिर आप अपना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आप देखते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो किए हैं तो वो लोग जो पोस्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपना जब नोटिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन देखने को मिलता था, लेकिन अगर आप में ये सेटिंग नहीं है, अगर आप में ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सलूशन देने वाले हैं कि कैसे आपको ये ठीक करना है। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक आप 100% सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपना इंस्टाग्राम को अपना अपडेट कर लेना है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। आने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिखने के बाद से दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद से दोस्तों आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर आपका सर्च होकर आ जाएगा। आने के बाद से दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे में अपडेट है, आपको जो है अपने मोबाइल में अगर अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा तो वहाँ पे अपडेट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्नैपचैट को अपडेट करने का ऑप्शन मिला, इसी तरीके से आपके भी मोबाइल में देखने को मिलेगा, तो इसको आप अपडेट कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम का आप यहाँ पे आपका जो है इंस्टाग्राम को अपने लॉन्ग प्रेस क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको जो सबसे पहले तो आपको अपना स्टोरेज आपका देखना है। यहाँ पे स्टोरेज पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे केसेस के फाइल के रूप में देख सकते हैं 246 MB यहाँ पे मिला हुआ है। यानी कि दोस्तों जब आप अपना डाटा ज़्यादा यूज करते हैं, नेट ज़्यादा चलाते हैं, तो आपका नेट के माध्यम से आपके केस फाइल में बग के रूप में आपका केस फाइल में ऐड होता रहता है, जिसके वजह से कभी कभी वो दिक्कत करता है। तो आपको सबसे पहले आपको ये केस फाइल आपको डिलीट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से क्लियर केस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद से दोस्तों आपका एक क्लियर केस ओके हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं अपना परमिशन, अपना सारा परमिशन देख लेंगे कि आपका सारा परमिशन आपका अलाउ है या नहीं है। तो यहाँ से अपना सारा परमिशन अलाउ कर देंगे बारी बारी से। यहाँ पर दोस्तों अपना अलाउ कर देंगे परमिशन, कॉन्टैक्ट्स का और भी सारे परमिशन आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद से दोस्तों उसके बाद से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन बंद है, तो आपको इसको चालू करना होगा। तो इसके बाद से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद से दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और सारा परमिशन जो आपका नोटिफिकेशन के हैं ये आपका जो है आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारे परमिशन आपके यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। अब इसके बाद से दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको अपना मोबाइल एक बार रिबूट कर लेना है। यहाँ पर पावर बटन को दबाएंगे, लॉन्ग प्रेस क्लियर कर क्लिक करें रहेंगे तो आपका ये पावर बटन ऑन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर रिबूट वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद से दोस्तों जब आप होम पे आ जाएंगे, यहाँ से दोस्तों अगर आपका हो जाता है प्रॉब्लम ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग पे ओपन करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आप अपना स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ से दोस्तों नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर सारे आपके एप्लीकेशन जो आपके इंस्टॉल हैं वो सारे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है, खोज लेना है। यहाँ पे सर्च कर लेंगे अगर आपका इंस्टाग्राम आपका आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर दोस्तों आपका ये इंस्टाग्राम का ये जो जैसे नोटिफिकेशन बंद होगा इस तरीके से अगर, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से ऑन कर लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जिसमें आपने सीखा, अगर आप में इंस्टाग्राम में अपना नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है तो आज उसको कैसे सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में आपने सीखा। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।